स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। देखिए स्टूडेंट, आज से जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इंसर्ट टैब में लिंकिंग ग्रुप है, तो लिंकिंग वाला कंसेप्ट टोटली अच्छे से समझते हैं और ध्यान से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो तीन स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करने होंगे हमें, तो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं लिंकिंग के मीनिंग की, कि लिंक क्या होता है। आप अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक लोकेशन को किसी दूसरी लोकेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, या एक वर्ड को किसी लोकेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप उस वर्ड पे क्लिक करो तो उस पेज नंबर पे पहुंच जाओ, तो उसे हम लिंकिंग बोलते हैं, कि एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना, राइट? तो लिंकिंग जो है वर्ड के अंदर टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल लिंकिंग और सेकेंड वन एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मीनिंग होता है कि सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिंक क्रिएट करना। जैसे कि क्या, आप ये चाहते हो कि आपने 10 पेजेस बनाए हुए हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स है और सेकेंड पेज से आप अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चाहते हो इंडेक्स में हेडिंग्स लिखी हुई होंगी, या इंडेक्स में चैप्टर्स के नेम या हेडिंग्स के नेम लिखे हुए होंगे, तो आप उस हेडिंग को कनेक्ट करना चाहते हो उसके टॉपिक के साथ, कि जिस चैप्टर के बारे में आप समझा रहे हो कि आपने फर्स्ट पेज के ऊपर उसका इंडेक्स बनाया हुआ है या उस हेडिंग का इंडेक्स बनाया हुआ है, तो आप फर्स्ट पेज के अंदर उस हेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी फाइल में उसी पेज पे पहुंचा देगा जिस पेज के ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप सभी हेडिंग्स को जो फर्स्ट पेज के ऊपर एज ए इंडेक्स आपने बनाई हुई है, उन सभी को उनके टॉपिक से कनेक्ट करना चाहते हो कि आप उस वर्ड के ऊपर, उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करो तो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओ जहां उसके बारे में समझाया गया है। इंटरनल लिंकिंग का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? पूछिए बेटा अगर कोई डाउट है। कुंती समझ में आया? जी सर, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ जी, इंटरनल लिंकिंग का मीनिंग होता है कि सेम डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट करना। जैसे फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने चार नाम लिख दिए, कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस एंड वर्ड, तो उन चारों टॉपिक को मैं वर्ड फाइल के अंदर अलग अलग पेजेस के ऊपर समझा भी देता हूँ, मतलब उनके बारे में उनकी डिटेल लिख देता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब सॉफ्टवेयर वर्ड पे क्लिक करूँ ना इंडेक्स में फर्स्ट पेज के ऊपर, तो जहां पर इस फाइल के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मैं वहां पर पहुंच जाऊं, तो मैंने फर्स्ट पेज को सॉफ्टवेयर वाले पेज से लिंक कर दिया। तो अगर लिंक किया हुआ होगा तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते ही आपको वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के बारे में जहां पर भी आपने अपनी फाइल में लिखा हुआ है वहां पर आपको पहुंचा देगा। तो फर्स्ट पेज के ऊपर पहले मैं चार वर्ड लिख लेता हूं जिससे मैं अपने मेन पेजेस से उनको कनेक्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखा कि कंप्यूटर इंट्रो, सेकंड मैंने यहां लिखा सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर, देन एमएस ऑफिस। तो ये चार नाम हेडिंग्स मैंने यहां पर लिख लिए। अब इनको मैं अलग अलग पेजेस के ऊपर समझा रहा हूं, कहां पर, नेक्स्ट पेज से। ये मैंने इसके बारे में हेडिंग्स लिख दिए, पहले पेज, पहली हेडिंग क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, तो अब मैं इनके बारे में डिटेल में सेकेंड नंबर पेज से लिखना स्टार्ट करता हूं। कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, ठीक है। यहां पर हेडिंग लिखी कंप्यूटर इंट्रो, और इसके बारे में आपने जो कुछ भी समझाना है वो आप समझा दीजिए।
इक्वल्स टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज. मैंने एक तरीके से एक टेम्पलेट यहाँ पर बना दिया, कंप्यूटर इंट्रो हेडिंग डाल दी और उसके बारे में जो कुछ भी समझाना है वो समझा दिया. ऐसे फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आया. नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया, इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल लिखनी है वो लिखी है, और सॉफ्टवेयर को मैंने बोल्ड कर दिया और उसका साइज बढ़ा दिया. फिर थर्ड पेज इससे भी नेक्स्ट पेज पे आया और इस पेज के ऊपर मैंने हार्डवेयर को समझाया और हार्डवेयर के बारे में जो कुछ भी डिटेल लिखनी है वो लिख दी और हार्डवेयर को जो है वो बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा साइज बढ़ा. ऐसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ. अब मुझे यहाँ पर एमएस ऑफिस को समझाना है और एमएस ऑफिस के बारे में जो कुछ भी समझाना चाहते हो समझाइए और उसको बोल्ड करके बढ़ा दीजिए. तो स्टूडेंट साफ सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो मैंने पहले पेज के ऊपर ये चार हेडिंग लिख दी ऐसे इंडेक्स कि मैं इस वो फाइल में इन नोट्स में किन किन वर्ड को समझाने वाला हूं तो उनके बारे में उनकी लिस्ट मैंने पहले पहले पेज पे बना ली. फिर उनको डिटेल में नेक्स्ट पेज से अलग अलग पेज के ऊपर डिटेल में राइट कर दिया. तो कंप्यूटर इंटर को यहाँ राइट किया, देन सॉफ्टवेयर को राइट किया, देन उसके बाद हार्डवेयर को राइट किया, देन एमएस ऑफिस को राइट किया. इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? जी सर. नैंसी समझ में आ गई बेटा? यस सर. ठीक है. अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस कंप्यूटर इंटर वाले वर्ड पे क्लिक करूं जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते ही मुझे सेकंड पेज पे पहुंचा दे. सेकंड पेज पे क्यों? क्योंकि सेकंड पेज के पे उसके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है ना. तो अब अगर मैं इन चारों वर्ड में से किसी भी वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसके बारे में डिटेल में वहां पर जो है बता दे कि पहुंचा दे उसके ऊपर जहां पर उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. तो ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे? सबसे पहला तो स्टेप ये था जो मैंने अभी बनाया कि पहले पेज के ऊपर हेडिंग्स लिख दो सारी, फिर उनको अलग अलग पेजेस के ऊपर नेक्स्ट पेज से डिटेल में समझाना या उसके बारे में राइट करना स्टार्ट कर दो. अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि उन सभी, ध्यान से सुनना इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं, कि उन सभी लोकेशन को हाइपरलिंक ऑप्शन में, लिंक ऑप्शन में ऐड कर दो जिन लोकेशन के ऊपर आपको डायरेक्ट पहुंचना है. जिस लोकेशन के ऊपर डायरेक्ट आपको पहुंचना है उन लोकेशन को आप किस में ऐड कर दो? लिंक वाले ऑप्शन में, जो इंसर्ट टैब के अंदर बुकमार्क में ऐड करना है, लिंक में ऐड नहीं करना. सॉरी, जो भी जिस भी लोकेशन पर आप डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो, जिस वर्ड पर डायरेक्ट आप पहुंचना चाहते हो, या आप कहते हो या कंप्यूटर पे क्लिक करो तो जहां पर कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है वहां पर पहुंच जाओ, मतलब यहां पर पहुंच जाओ, तो कंप्यूटर पे क्लिक करते यहां पहुंचना है आपको. तो जिस लोकेशन पर डायरेक्ट आपको पहुंचना है उन सभी वर्ड या लोकेशंस को बुकमार्क ऑप्शन में ऐड कर दो. ठीक है, कैसे? मैंने कहा कि मुझे पहुंचना है कंप्यूटर इंट्रो, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर इंट्रो जो है उसको सिलेक्ट किया और ऊपर गया इंसर्ट टैब में और बुकमार्क पे क्लिक किया. इसके अंदर नाम लिखो, किस नाम से आप ऐड करना चाहते हैं. मैंने कहा कि कंप्यूटर इंट्रो, याद रखना बेटा कोई स्पेस मत डालना बीच में, कंप्यूटर इंट्रो पूरा डायरेक्टली लिखेंगे विदाउट स्पेस, याद रखना. देन ऐड कर दो. तो इस लोकेशन को हमने ऐड कर दिया, ऐसे दूसरी लोकेशन को भी आप इसके अंदर ऐड कर दो. जैसे कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करो, बुकमार्क में जाओ, ऐड पहले नाम लिखो, तो सॉफ्टवेयर नाम आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, देन ऐड कर दो. ऐसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है हार्डवेयर उसको सिलेक्ट करो और बुकमार्क में जाओ, हार्डवेयर लिखो और ऐड कर दो. यहां तक समझ में आया? यस सर. तो उन सभी लोकेशंस को ऐड कर, ऐसे एक लोकेशन अभी हमारी रह गई, किस नाम से? एमएस ऑफिस. तो एमएस ऑफिस को सिलेक्ट करो, बुकमार्क में जाओ और एमएस ऑफिस के नाम से उसको ऐड कर दो.
याद रखना इस नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस डालोगे ना तो वो ओपन नहीं होगा बेटा, ये जो नाम ऐड वाला ऑप्शन है ना ये बंद हो जाएगा, देखो मैंने स्पेस डाला ना तो ऐड वाला लॉक हो गया, तो स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में, ऐड कर दो ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों हेडिंग्स जो आपने डिटेल में जिनके बारे में समझाया था उनको आपने कहाँ पर ऐड कर दिया, बुकमार्क ऑप्शन में ऐड कर दिया। मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, कंप्यूटर इंट्रो से, पहले इसको ऐड किया, फिर इसको सॉफ्टवेयर को किया, फिर हार्डवेयर को ऐड किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एमएस ऑफिस को ऐड किया। तो अब यहाँ पर क्या बात आती है कि अभी तो हमने क्या किया है कि बुकमार्क के अंदर उन सभी हेडिंग्स को, उन सभी लोकेशन को बुकमार्क में ऐड किया है जिस पे हमें डायरेक्ट पहुंचना है, जिस लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंचना है। अब क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट पेज के ऊपर हमने हेडिंग बनाई थी उन हेडिंग्स को, इन हेडिंग्स को लिंक करना है बुकमार्क में जितने भी ऑप्शन हमने ऐड किए हैं उनसे। मतलब कि क्या लिंक करना है उसको बुकमार्क वाले ऑप्शन से, कि जो जो हेडिंग्स मैंने बुकमार्क में ऐड की हैं उन सभी हेडिंग्स को लिंक से कनेक्ट करना है मुझे इस वर्ड को, इस कंप्यूटर इंट्रो वर्ड को मुझे बुकमार्क वाली हेडिंग से कनेक्ट करना है। तो उस बुकमार्क वाली हेडिंग से कनेक्ट करने के लिए हमें लिंक वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर इंट्रो वर्ड को सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, देन हाइपरलिंक में जाओ, मींस लिंक में जाओ, यहां पर एक ऑप्शन होगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करो, देन कंप्यूटर इंट्रो वर्ड पे क्लिक करो और ओके कर दो, लिंक बन गया। ऐसे सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करो, लिंक पे क्लिक करो, यहां पर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके ओके कर दो, हार्डवेयर को सिलेक्ट करो, लिंक करो, हार्डवेयर पे क्लिक करके ओके कर दो, एमएस ऑफिस को सिलेक्ट करो, लिंक में जाओ और एमएस ऑफिस पे क्लिक करके ओके कर दो। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। अब क्या करो कि अगर अब आपको डायरेक्ट इनमें से किसी भी वर्ड पे पहुंचना है, मतलब इनमें से किसी भी पेज पे पहुंचना है, कि आप कंप्यूटर पे क्लिक करो तो कंप्यूटर इंट्रो पे पहुंच जाओ, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो तो सॉफ्टवेयर पे, तो आप क्या करो बेटा, इनमें से किसी भी वर्ड पे कर्सर रखो। मतलब मैंने हार्डवेयर पे कर्सर रखा, तो हार्डवेयर पे कर्सर रख रहा हूं तो एक नोटिफिकेशन सामने आ रहा है, क्या कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मैंने हार्डवेयर पे कर्सर रखा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इस लिंक को फॉलो करने के लिए, इस लिंक पे जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ क्लिक करो इस वर्ड पे, तो डायरेक्ट आप हार्डवेयर वाले पेज पे पहुंच जाओगे जहां पर उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप कंट्रोल प्रेस करो, ये हैंड बनेगा और क्लिक कर दो, तो डायरेक्ट आपको कहां पहुंचा दिया इसने बेटा, समझ में आया? यस सर। तो अब जैसे फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी हेडिंग्स बनी हुई है, इनमें से किसी भी हेडिंग के ऊपर कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर आप यहां पर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, समझ आ गया। इंटरनल लिंकिंग का कंसेप्ट यहीं तक था, बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। एक्सटर्नल लिंकिंग का मीनिंग होता है एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करना। एग्जांपल क्या हो सकता है, एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करने का एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने अभी ये फाइल बनाई हुई है, इस फाइल में किसी दूसरी फाइल का नाम लिखो, उस नाम पे क्लिक करोगे तो आप उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर पाओगे। मतलब कि कैसे और क्या, मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर एक है ना नाम लिख दिया कोई भी, नेक्स्ट फाइल या कुछ भी, मैंने कहा कि जब भी नेक्स्ट फाइल वाले वर्ड पे क्लिक करूं ना तो बाहर एक फाइल बनी हुई है उसको ओपन कर दे, तो एक्सटर्नल लिंकिंग हो रहा है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया वर्ड को, नेक्स्ट फाइल वाला वर्ड, मैंने कोई भी वर्ड लिख लो आपको, आपकी मर्जी है, नेक्स्ट फाइल मैंने लिख लिया, फिर इसको लिंक करने के बाहर जो फाइल बनी हुई है उससे, तो नेक्स्ट फाइल लिखा और लिंक पे क्लिक किया, फिर आपको एग्जिस्टिंग फाइल पे जाना है, बाहर की फाइल होगी तो एग्जिस्टिंग फाइल,
और सेम डॉक्यूमेंट में लिंक होगा तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट बुकमार्क वाले, बट अगर बाहर की फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, तो एग्जिस्टिंग फाइल, वो फाइल आपके कंप्यूटर में जहां पर भी बनी हुई है आप यहां से ब्राउज कर सकते हो, डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में, सी ड्राइव में, ड्राइव में, जहां पर भी है बनी हुई है, उस लोकेशन पे क्लिक करो, मतलब उस फाइल को सिलेक्ट कर लो एंड ओके कर। तो अब इस नेक्स्ट फाइल वाले बटन का जो लिंक है ना उस फाइल के साथ बन गया। अब इस नेक्स्ट फाइल वाले जो वर्ड के ऊपर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ना, यस करते ही आपको उसी फाइल को ओपन करके दे देगा जो भी बनी हुई है। कर दी ना बेटा, समझ में आ गया? नैन्सी, लव, आर्यन, यस सर, ओके। तो ये एक्सटर्नल लिंक था, एक बार फिर से मैं एक्सटर्नल लिंक समझा देता हूँ कि कोई भी आपका वर्ड है उसको सेलेक्ट करो, उसके बाद आप लिंक वाले ऑप्शन में जाओ, इंसर्ट में, लिंक वाले ऑप्शन में जाते ही आप एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करो, जो भी फाइल है आपकी उस फाइल को सेलेक्ट कर लो एंड ओके कर दो, देन इसके साथ इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करो, देन इसे यस कर दो तो वही फाइल ओपन करके दे देगा जिस फाइल से आपने लिंक बनाया। ये था आपका वर्क किससे से रिलेटेड, एक्सटर्नल लिंक से रिलेटेड। स्मार्ट आर्ट हो गया हमारा, स्मार्ट आर्ट याद है किसी को? नहीं सर। और चार्ट भी नहीं हुआ होगा फिर, है ना? चार्ट थोड़ा सा समझा दिया था सर। कोई नहीं, दोनों चीजें मैं फिर से बता देता हूँ आपको आज, ठीक है जी सर। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है ध्यान से समझिए, स्मार्ट आर्ट का यूज है कि किसी भी कंटेंट को ग्राफिकल मोड में रिप्रेजेंट करना। एग्जांपल है कि आपकी कंपनी की ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो आप एक चार्ट में, एक ग्राफ में उसको दिखाना चाहते हो, ग्राफिकल मोड में शो करना चाहते हो कि आपकी हेड ब्रांच दिल्ली में है और उसकी सब ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में है। तो एक हायरार्की फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में अगर आप अपने कंटेंट को शो करना चाहते हो तो आप स्मार्ट आर्ट कैसे, जैसे आप स्मार्ट आर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो स्मार्ट आर्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो आएगी। इस विंडो में आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का चार्ट चाहिए। आपको लिस्ट बनानी है तो इसमें से कोई डिजाइन ले सकते हो, प्रोसेस बनाना है, साइकिल बनाना है, हायरार्की रेडी करनी है, रिलेशनशिप रेडी करना है, मैट्रिक्स, पैरामीटर, पिक्चर्स, क्या बनाना है आपको, किस तरीके का चार्ट बनाना है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हायरार्की वाला करते हैं। तो हायरार्की पे क्लिक करके इसमें से कोई भी चार्ट आपने यूज किया, और जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले लिया, इस पे क्लिक करके यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो मोस्टली हम इसका यूज करते हैं मोस्टली, तो इसमें से कोई भी ले सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके आप ओके करोगे तो आपके पास चार्ट बना हुआ आ जाएगा। तो इस चार्ट के अंदर कैसे यूज है, क्या यूज है, कैसे काम करना है, जैसे कि आप MS Office सीख रहे हो या कोई भी आपका कोर्स है, MS Office मैंने यहाँ पर डाला, फिर MS Office के अंदर आप क्या क्या सीखोगे उसको एक हायरार्की फॉर्म में, एक डिटेल में आपने लिखना है। तो वो डिटेल में लिखने के लिए आप क्या करते हैं, MS Office तो आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे इसके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो जैसे कि कई बार हमें लगता है कि ये जो बॉक्स है ना ये एक्स्ट्रा है, तो अगर इसे हटाना है तो इसको डिलीट बटन प्रेस करके हटा सकते हैं, मतलब इसको क्या किया, इसको बाउंड्री पे क्लिक करके सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे तीन बॉक्स बच गए, तो MS Office में आप क्या क्या सीखोगे, मैंने कहा MS Office में आप लोग एक तो वर्ड सीखोगे, फिर दूसरा MS Excel सीखोगे, फिर MS PowerPoint सीखोगे, ठीक है। ऐसे चार्ट मैंने यहां पर बना दिया। तो जैसे कोई भी ग्राफ जब आप बनाते हो ना, तो ग्राफ बनाते ही ऊपर यहां पर डिजाइन और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाते हैं। डिजाइन टैब में तो सबसे पहला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एड शेप के नाम से डिजाइन टैब पे क्लिक किया, ये तभी ओपन होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, मतलब जब आपका स्मार्ट आर्ट में कहीं पर भी क्लिक होगा, ठीक है।
ऐड शेप का मतलब आपने इसके अंदर और शेप ऐड करनी है और बॉक्स ऐड करने हैं। जैसे आप चाहते हो कि वर्ड के अंदर आपने लिखना है तो वर्ड के अंदर बॉक्स ऐड करने हैं, तो आप वर्ड को सिलेक्ट करो, ऐड शेप में जाओ, आपसे पूछ रहा है कि आपने इसके बाद ऐड करना है, इसके पहले ऐड करना है, इसके ऊपर ऐड करना है, इसके नीचे ऐड करना है, या इसका असिस्टेंट लेना है, ऐड असिस्टेंट। तो जैसे आप असिस्टेंट पे क्लिक करोगे तो इसका डायरेक्ट ऐड असिस्टेंट हम ले सकते हैं। तो वर्ड के अंदर आप क्या क्या सीखते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे ही वर्ड के अंदर आपने यहाँ पर और भी कुछ डालना है तो वो आप लिख सकते हो। जैसे वर्ड के अंदर और भी शेप ऐड करनी है तो फिर से वर्ड को सिलेक्ट करें और ऐड असिस्टेंट पे क्लिक करें तो एक और असिस्टेंट आ गया। ऐसे जितने भी असिस्टेंट आपको चाहिए आप ले सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर। तो इसके अंदर मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया कि लेटर्स बनाने के लिए या जो भी है, आपने जो भी कुछ लिखना है। एमएस एक्सेल के लिए के अंदर और ऐड करने हैं, शेप ऐड करनी है तो वही बिलो पे मैंने क्लिक कर दिया तो बिलो आ गया, इसके नीचे शेप ऐड हो गई। तो इसके अंदर मैंने कहा कि कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, या और भी डेटा है तो उसका भी यूज कर सकते हो, ऐसे पावर पॉइंट के अंदर शेप ऐड कर सकते हो। तो ऐड शेप बटन का यूज है, उसके अंदर शेप ऐड करते रहे। तो डिजाइन टैब में पहला ऑप्शन ये था। फिर दूसरा पॉइंट मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, लेआउट, कि जो भी आपने यहाँ पर स्मार्ट ऐड बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, उसको आपने किस लेआउट में रखना है। लेआउट अलग अलग है तो आप कोई भी लेआउट यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि उसका चार्ट का टाइप चेंज करने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर चार्ट के, तो जो भी चार्ट का टाइप आपको लेना है, उसका डिजाइन चेंज करना है, तो यहाँ से आप जो है वो उसका टाइप चेंज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो ये पॉइंट। चेंज कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से 3D स्टाइल ले सकते हो, 3D स्टाइल में बना सकते हो अपना चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है रीसेट ग्राफिक, मतलब रीसेट कर देना अपना चार्ट, जितने भी डिजाइन लगाए हैं वो सारे हटा देना, जैसे नॉर्मल था वैसे बना देना। ये सारे ऑप्शन समझ में आए आप सभी को? जी सर। कुछ पूछना है किसी को बेटा? ओके। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि क्या